2024 इज द ब्लॉकबस्टर ईयर फॉर दी टाटा मोटर्स, क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे 5 ऐसी गाड़ियां टाटा ने लाइनअप करके रखी है जो कि आने वाले अपकमिंग मंथ्स में यहाँ पे लॉन्च होने वाली। उन सारी गाड़ियों के बारे में तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे। साथ ही साथ इस वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बोनस कार के बारे में बताऊंगा जो की बहुत ही ज्यादा ऐसे पॉपुलर गाड़ी रही थी अपने टाइम की। तो भाई अगर आप लोग अभी तक वो चीज गेस कर लियो तो कमेंट सेक्शन में बताना। गेस नहीं कर पाया तो भाई वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वाले वीडियो में उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन से जानने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई आपकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गाड़ी है वो अपनी आने वाली है टाटा कर्व। देखो टाटा कर्व की ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारी जो रेंडर्ड इमेजेस है वो देखा, बहुत सारे फेक न्यूजेस आई है कि ये होने वाली वो होने वाली है, तो वो सारी चीजें। बट यहाँ पे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कहीं जा रहा था, टाटा कर्व ऐसे पार्कड हुई थी साइड में, और मैं उसके रिगार्डिंग मैंने रील शूट करके उसे जैसे अपलोड मैंने करा था। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको वो चीज पता होगा। और टाटा मोटर्स के जो एग्जीक्यूटिव है उनसे मेरी बहुत देर तक बात हुई इस गाड़ी में क्या क्या ऑफर होने वाली, किस प्राइस रेंज में आएगी। भाई देखो गाड़ी जो है वो अगस्त के महीने में यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी 2024 में। प्राइसिंग को यहाँ पे डिस्कस करें तो 20 से 30 लाख के बीच की जो प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अपने टाटा कर्व के साथ। और ये जो गाड़ी है प्रॉपर अपनी टाटा नेक्सॉन और टाटा जो हैरियर है उसके बीच में इसे प्लेस करा जाएगा। तो ओवरऑल इसके अगर डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी आपको फ्रंट से वैसे कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। DRL कंप्लीट कनेक्टेड DRL हेडलाइट की जो सेटअप है वो आपको प्रॉपर LED वगैरह को यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसके इंटीरियर में अगर हम आए तो इंटीरियर में आपको प्रॉपर नेक्सॉन से इंस्पायर्ड इसकी जो इंटीरियर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हैरियर में हमें जैसा इंटीरियर देखने को मिला था और टाटा नेक्सॉन में जैसा इंटीरियर, वैसे आपको मिक्स जो इंटीरियर है वो अपने टाटा कर्व के साथ आपको यहाँ पे आने वाला है। तो चीजें यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे निकल के आने वाली है। प्रॉपर ऐसे आपको कूपे डिजाइन का जो आपको लुक है वो आपको यहाँ पे टाटा कर्व के साथ देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्टली कम्पीट करेगी विद दी Hyundai Creta एंड विद दी Kia Seltos। मतलब उस रेंज की जितनी सारी गाड़ी आती है उनसे ये गाड़ी प्रॉपर यहाँ पे कम्पीट करेगी। पावर ट्रेन के बारे में यहाँ पे हम बात करें जाए तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का नया जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको पावर तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे निकाल के देगा ही। साथ ही साथ इस गाड़ी को चलाने का भी मजा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे आने वाला है। रोड प्रेजेंस यहाँ पे गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे होने वाली है। अब टाटा की गाड़ी है तो सेफ्टी के मामले में या फीचर्स के मामले में हमें यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। तो देखो फीचर्स आपको वैसे देखने को मिले जैसे हमें टाटा नेक्सॉन या टाटा हैरियर में देखने को मिला था। 360 डिग्री कैमरास के फीचर्स और 6 एयरबैग्स, ABS, BD, वो सारे जो फीचर्स हमें नेक्सॉन और हैरियर में हमने ऑलरेडी देख रखा है वो सारे फीचर्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको 7 स्पीड DCT आने वाली है। अब इसके साथ साथ आपको हो सकता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऑफर करे, बट लेट्स सी क्या होता है। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो टाटा कर्व है वो EV प्लेटफॉर्म में भी आएगी। अब रेंज के बारे में बात करी जाए तो ऑब्वियस है भाई ये गाड़ी बड़ी होगी तो रेंज आपको ऑलमोस्ट 450 से 500 किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको यहाँ पे देगी। बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, ज्यादा बड़ा आपको मोटर यहाँ पे देखने को, तो पावर वगैरह भी आपको यहाँ पे बहुत अमेजिंग यहाँ पे निकल के आने वाली है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो टाटा अल्ट्रोज की रेसर एडिशन जो है वो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में देख रखा है कि भाई रेसर एडिशन ऐसे दिखने वाली है। रेसर एडिशन में आपकी जो डिजाइन है वो आपको प्रॉपर इंस्पायर्ड होगी विद दी टाटा अल्ट्रोज जो अभी अपनी ऑलरेडी चल रही है, बट वहां पे कुछ ऐसी चीजें जो चेंजेस करी जाएंगी जिस वजह से ये जो गाड़ी आपको और ज्यादा स्पोर्टी जो लुक है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। और जो डिकेल्स या फिर जो पेंट स्कीम है वो आपको और ज्यादा यहाँ पे स्पोर्टी रहेगा। तो वो चीजें आपको टाटा अल्ट्रोज रेसर को एक डिफरेंट आपको यहाँ पे स्टैंड करेगी जब आप टाटा अल्ट्रोज नॉर्मल या फिर टाटा अल्ट्रोज रेसर को आप देखोगे। तो यहाँ पे पावर ट्रेन के बारे में बात करी जाए तो 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 120 bhp पावर एंड 170 Nm का जो टॉर्क है वो जनरेट करेगा। साथ ही में इसकी इंटीरियर की जो डिजाइन है वो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस होकर आएगी, जिसमें आपको बड़ी सी डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलेगी जैसा हमें नेक्सॉन में देखने को मिला था, और जो 5GB है उसमें हमें देखने को मिला था। वैसे ही कुछ हमें चीजें जो है वो यहाँ पे आपको निकल के आने वाली है। देखो लोगों की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके डिमांड को देखते हुए टाटा ने यहाँ पे हैरियर EV को लॉन्च करने का यहाँ पे दावा किया है, और हैरियर EV बहुत ही जल्द यहाँ पे लॉन्च होने वाली है, अपनी 2024 में ही लॉन्च होगी। और इसके अगर मैं आपको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो देखो ऑब्वियसली एक्टिव प्लेटफॉर्म जो अभी टाटा पंच में हमने देखा था नया प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म हमें टाटा हैरियर में भी देखने को मिलेगा, जो कि बड़ी बैटरी, ज्यादा एफिशिएंट होगी, ज्यादा सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेगी, ज्यादा आप रेंज वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी विद दी टाटा हैरियर जो अपनी आती है, जो नॉर्मल वर्जन आती है, जो डीजल वाली वेरियंट आती है, उससे आप कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी। थोड़े बहुत यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे इसकी बम्पर वगैरह आपको चेंज होगी या फिर जो चीजें है थोड़ी बहुत वो आपको वहाँ पे चेंजेस मिल सकते हैं। जैसा बम्पर है उसके डिजाइन में थोड़ा बहुत यहाँ पे जो इवेंट्स वगैरह उसे क्लोज करके दिया जाएगा। इवन जो इंटीरियर की जो डिजाइन है वो भी आपको कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी विद दी टाटा हैरियर। कुछ कुछ वहाँ पे माइनर माइनर जो चेंजेस है वो हमें करके वहाँ पे दिए जाएंगे गाड़ी को। और एलॉय वगैरह जैसा हमने कॉन्सेप्ट में देखा था एकदम बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे टाटा हैरियर के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसमें हमें यहाँ पे कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं मिलने वाली। तो 500 किलोमीटर का जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। वो ऑब्वियसली ईवी है तो थोड़ा सिग्निफिकेंट जो चेंजेस है वो तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पंच ईवी के बाद यहाँ पे टाइम आ गया है अपनी जो पंच पेट्रोल आती है उसका फेसलिफ्ट का। तो यहाँ पे पंच जो है वो आप कंप्लीटली फेसलिफ्टेड मॉडल में यहाँ पे आपको लॉन्च होने वाली है। फेसलिफ्टेड यानी इसका जो फ्रंट है वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, मतलब कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी अपनी पंच ईवी के साथ, या फिर मैं ऐसा आपको बोल सकता हूँ कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी विद दी नेक्सॉन। अब देखो जो पंच है वो अपनी नेक्सॉन के छोटा भाई है, तो वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे जो डिजाइन पैटर्न है वैसे कुछ देखने को मिलने वाले हैं। कनेक्टेड डीआरएल एलईडी हेडलाइट सेटअप वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जैसा हमने पंच ईवी में इंटीरियर देखा था वैसे ही हमें इंटीरियर अपने पंच फेसलिफ्ट वाले मॉडल में भी यहाँ पे आ सकती है। एक और चीज है कि जो पावर ट्रेन है उसमें हमें 1.2 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो भी यहाँ पे आ सकता है। तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस वाले गाड़ी को लेकर। देखो हैरियर के चाहने वाले लोग भाई टाटा को बोल बोल के थक गए कि भाई 4x4 में लाओ, पेट्रोल में लाओ। तो भाई लो टाटा मोटर्स आपकी बात सुन लिया। अब यहाँ पे आपको लॉन्च होने वाली है टाटा हैरियर की प्रॉपर पेट्रोल वेरिएंट 4x4 में। ऑब्वियसली टाटा मोटर्स अब जो डीजल में आपको 4x4 नहीं ऑफर करने वाला, अपनी जो 4x4 है वो आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही यहाँ पे आएगी। देखो अगर इसके मैं डिजाइन के बारे में बात करूँ तो डिजाइन आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, बस कुछ कुछ आपको जो माइनर चेंजेस है मुझे जहां तक लगता है कि वो माइनर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपको प्रॉपर ऐसे चेंजेस आप पता लगा पाओगे कि अपनी डीजल है या फिर पेट्रोल है। बाकी ओवरऑल आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। 4x4 का बैजिंग ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखो ऑटो एक्सपो में ना हमने ऑलरेडी 1.5 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो हमने यहाँ पे देख रखा है, और वही जो पेट्रोल इंजन है वो हमें यहाँ पे टाटा हैरियर पेट्रोल के साथ आने वाली है। वो सारी चीजें बाकी इंटीरियर की डिजाइन और एक्सटीरियर डिजाइन आपको प्रॉपर वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा, उसमें हमें यहाँ पे कोई भी ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं। अब भाई लोग जो सबसे ज्यादा जो बोनस वाला जो मैंने आपको पॉइंट स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था वो ये है कि भाई जैसे महिंद्रा में अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक आती है वैसे टाटा में अब आने वाली सफारी स्टॉर्म क्लासिक। भाई ये जो गाड़ी है ये अपनी प्रॉपर इंस्पायर्ड होगी विद दी सफारी स्टॉर्म, जो कि हमने ऑलरेडी भाई बहुत लोगों की मन पसंदीदा जो गाड़ी है वो है अपनी सफारी स्टॉर्म। वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। भाई सफारी को ऐसे सफारी स्टॉर्म का ऐसे नाम सुनते ही सीधे दिल में ना एक अपनी जो रिस्पेक्ट है वो भर जाती है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखने वाली है, क्योंकि सफारी स्टॉर्म क्लासिक यहाँ पे आने वाली है। डिटेल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और उस डिटेल्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी उसके रिगार्डिंग में जो वीडियो है वो आपको आ जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि आपको इस वाले वीडियो की मदद से आपको यहाँ पे अंदाजा लग गया होगा कि टाटा की कौन कौन ऐसी प्यारी प्यारी गाड़ियां जो है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाली है इन द ईयर 2024। भाई बस यही सारी गाड़ियां नहीं है, टाटा ने ऐसे बहुत सारी गाड़ियों को यहाँ पे लाइनअप करके रखा है, तो भाई लॉन्च तो होने वाली बहुत फटाक से यहाँ पे। तो भाई चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो भाई वहाँ पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव रील्स और डेली कंटेंट जो है वो आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव जो रील्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।